अंतरिक्ष में रुचि लेने वाले एक भारतीय द्वारा अमेरिका के ऑर्बिटिंग कैमरा से चंद्रमा की तस्वीरों का निरीक्षण करने के बाद नासा ने कहा कि उसे भारतीय चंद्रयान 2 विक्रम लैंडर का दुर्घटना स्थल और मलबा मिला है। इस जगह का पता सनमुगा सुब्रमण्यम ने लगाया, जिन्होंने खुद लूनर रिकनाइसांस ऑर्बिट कैमरा यानी LROC से तस्वीरें डाउनलोड की। इसकी पुष्टि नासा और एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी ने सोमवार को की। सुब्रमण्यम ने उस मलबे का पता किया जिसकी तलाश वैज्ञानिक कर रहे थे और उन्होंने वैज्ञानिकों की वह जगह खोजने में मदद की जहां विक्रम लैंडर क्रैश हुआ था। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगलवार को इसकी घोषणा की है कि विक्रम लैंडर का मलबा मिल गया है और जहां क्रैश हुआ उस जगह की तस्वीर भी जारी की गई है। नासा ने अपने बयान में कहा, सनमुगा ने सबसे पहले मैन क्रैश साइट से लगभग 750 मीटर उत्तर पश्चिम में मलबा देखा। नासा ने कहा कि पहली धुंधली तस्वीर दुर्घटना स्थल की हो सकती है जो LROC द्वारा 17 सितंबर को ली गई तस्वीर से बनाई गई है। कई लोगों ने विक्रम के बारे में जानने के लिए इस तस्वीर को डाउनलोड किया। नासा ने कहा कि उनमें से एक सुब्रमण्यम ने मलबे से सकारात्मक पहचान के साथ LROC प्रोजेक्ट से संपर्क किया। यूनिवर्सिटी ने कहा कि सुब्रमण्यम द्वारा दी गई सूचना पर LROC टीम ने नए मोजाइक्स से आसपास के क्षेत्र की तलाशी ली और दुर्घटना स्थल तथा मलबे का स्थान देख लिया। सनमुगा सुब्रमण्यम एक मैकेनिकल इंजीनियर और कंप्यूटर प्रोग्रामर है जो लिनक्स इंडिया टेक्नोलॉजी सेंटर चेन्नई में काम करते हैं। मदुरई के रहने वाले सनमुगा इससे पहले कॉग्निजेंट में प्रोग्रामर एनालिस्ट के तौर पर भी काम कर चुके हैं। उन्होंने नासा के मून लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर यानी LRO द्वारा 17 सितंबर, 14, 15 अक्टूबर और 11 नवंबर को ली गई तस्वीरों का हफ्तों तक अध्ययन किया और मलबे की पहचान कर ली। सुब्रमण्यम को अंतरिक्ष का शौक रहा है और सुब्रमण्यम ने कभी भी कोई लॉन्च नहीं छोड़ा। हमारे वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।